आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बिल्डिंग के बारे में, जो आप लोगों के कमेंट आई थी कि आपका पेपर है इंजीनियर ड्राइंग का, सिविल इंजीनियर ड्राइंग का, तो 2018 का जो पेपर आया था आप लोगों का, उसका मैंने आपकी बिल्डिंग बनाई है, ये आपका 2018 का पेपर है, आप इंग्लिश में आ जाइए, इंग्लिश में देख लीजिए, ये आपका 2018 का पेपर। सबसे पहले से मैं एक चीज़ थी कि कुछ जो डायमेंशन थी वो कुछ प्रॉब्लम थी। देखो सबसे पहले हम इसकी डायमेंशन करते हैं कि ये डायमेंशन इधर बराबर होनी चाहिए, इधर और इधर ये बराबर होनी चाहिए। देखो ये वाली 3, ये 2 5 और 5 10, 10 हो गया, आप ये साइड में लिख लीजिए इसको, ये 10 हुआ। इसके बाद में 1 2 3 4, 4 दीवार लग रही है, इसने यहाँ नहीं दिया, पीछे दिया है। आपकी जो बॉल्स टू भी 200 mm यानी 20 सेंटीमीटर की आपकी दीवार है, तो 4 है तो 0.8 मीटर हो गया आपका, 10.8 मीटर बैठ गई है। अब इधर जोड़ते हैं, ये आपका 5 और यहाँ से यहाँ तक 5, 1 2 3, 10.6 ये बैठ गया, लेकिन ये कम बैठा, ये ज़्यादा बैठा, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे, सॉरी, इसमें जो आपकी लेंथ बनाई करी थी मैंने, इसमें मैंने थोड़ा वो किया था, ये आपकी 1.8 हो गई, ये आपकी 1.8 हुई into 2 मीटर में, क्योंकि तो अब आपकी इधर भी 10.6 बैठ गई और इधर भी 10.6। अब ये वाली हम आप देखते हैं, ये कितनी आपकी 2, ये कितनी 6, 6 और 2 8 हो गई आपकी, 3 1 2 3.6 मीटर की आपकी बॉल हो गई, 8.6 ये बैठ गई। अब इधर करते हैं हम, 2 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 ये बैठ गई आपकी। इसके बाद 1 2 3 और 1 4, 4 आपकी बॉल है, इसमें कितनी बैठी, 8.8। अब इधर भी ज़्यादा बैठ गई, तो आप इधर क्या करते हैं, मैं 5 मीटर into 1.8 मीटर, 8.6 भी आपकी इधर बैठी, 8.6 इधर, 10.6 इधर, 10.6 इधर, यही आपका इसमें करेक्शन करना था, बस यही चीज़ गलत थी, बाकी सारी चीज़ें इसमें सही है। अब देखो इसका पहले, सबसे पहले प्लान बनाते हैं, प्लान किस तरह बनता है इसमें आपको समझाता हूँ, मैं इस तरह साइड में रख लेता हूँ। देखो सबसे पहले 8.6 मीटर इधर, 10.6 मीटर, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि देखो ये लिख रखा मैंने, स्केल लिया है 1:50 है, यानी 1:50 का मैंने इसमें स्केल लिया है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग, सबसे पहले 10.6 मीटर, पहले इसको सेंटीमीटर कन्वर्ट करोगे, उसके बाद 50 से भाग दोगे, जितना सेंटीमीटर आपका निकल गएगा उतनी सेंटीमीटर की लाइन खींचोगे, 10.6 सेंटीमीटर इधर, यहाँ से यहाँ तक आपका 10.6 सेंटीमीटर है, इसमें कोई दीवार नहीं, क्योंकि सारी की सारी माप मैंने दीवार सहित तो मापी है आपकी, इसलिए दीवार इसमें अंदर बनती हुई जाएंगी, और ये आपका 8.6 ये आपने खींच लिया। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, देख रहे हो आपकी दीवार करोगे, 20 सेंटीमीटर की दीवार है, 20 सेंटीमीटर आप इधर आओगे, आप सारी दीवार खींचोगे तारों चारों तरफ से, ये आपके यहाँ बरामदा आएगा, यहाँ दीवार खुली हुई है, ये आपको बताऊंगा कैसे डॉटेड हुई है। अब फिर सबसे पहले क्या करते हैं, 3 मीटर into 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर और यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर का एक बाथरूम है आपका, जैसा आपने यहाँ देख रहे हो बाथरूम है, 3 मीटर into 2 मीटर, 3 मीटर into 2 मीटर का आपका बाथरूम है, यहाँ से देखो जो इसकी माप होती है, ये फर्श की ओनली माप होती है, इस दीवार से इस दीवार तक की, इसमें दीवार की कोई माप जुड़ी हुई नहीं है, इसका भी ध्यान रखना, यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर, यहाँ से 2 मीटर, ये आपका बाथरूम हो गया। आगे चलते हैं, आगे इसने दिया WC, इसने दिया था 2 मीटर into 2 मीटर का, लेकिन हमने करेक्शन किया तो हमारा कितना आया, 1.8 मीटर into 2 मीटर, 1.8 मीटर into 2 मीटर। अब आगे चलते हैं किचन, किचन में चलते हैं, यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है, ठीक। अब यहाँ चले, इसके बाद में इसके इधर ही आते हम नीचे, यहाँ लिविंग रूम मिला हमको, लिविंग रूम में आए हम, यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर चले, 4 मीटर यहाँ तक चले, फिर नीचे आते हैं, बरामदा मिलता हमको 5 मीटर into 2 मीटर का पेपर में था, लेकिन करेक्शन करने पर 1.8 मीटर का मिला, 1.8 मीटर का हमने बरामदा किया, ये आपका बरामदा आ गया, यहाँ आ गया बरामदा। लेकिन देखो स्टेप जो स्टेप में, ये आप बाहर भी ले सकते हो भीतर भी, लेकिन क्या हुआ कि इसने इतना स्टेप दिखा दिया, तो हमने भीतर लिया है, 2 स्टेप बना दिए हमने इसमें, क्योंकि आपकी ट्रेड है, ट्रेड और राइज, स्टेयर की एक वीडियो, उसमें आप अच्छी तरह समझ सकते हो क्या चीज़ है ट्रेड और राइज। अब इधर
इधर इसने बेडरूम दिया है 5 मीटर इंटू 6 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर और यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर, ये आपका बेडरूम हो गया। ठीक, अब इसके बाद में इसमें सबसे पहले लगाता हूँ दरवाजे। दरवाजे किस तरह लगाए, अब देखो सबसे पहले हम आप देखते हैं डी 1 मीटर इंटू 2 मीटर, उसके बाद में डी 1 90.90 मीटर इंटू 2 मीटर, ये इसकी हाइट है और इसकी ब्रेथ है। डी 2.80 इंटू 2 मीटर, डी 3.70 इंटू 2 मीटर, डब्ल्यू ये आपकी विंडो होगी, यहाँ से विंडो स्टार्ट होगी, यहाँ तक दौड़ते हैं आप कितने, ये आपकी डब्ल्यू डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू इसकी मापे हैं। एस एल डब्ल्यू आ गया, हाई लेवल विंडो होती है आपकी, ये वी वेंटिलेटर होता है, एस सिंक होता है। अब देखिए आप यहाँ आइए, सबसे बड़ा दरवाजे की माप डी, फिर डी 1 डी 2 डी 3, ये आपको बताइए जिस तरह क्रम से चलेंगे उस तरह छोटा है। देखो अब इसमें आए, किचन में कोई बड़ा दरवाजा तो लगाएंगे नहीं, इसलिए मैंने डी 1 यहाँ पे दरवाजा लगाया। बाथरूम में डी 3 सबसे छोटा दरवाजा, बाथरूम उसमें डब्ल्यू सी में सबसे छोटा लगा हुआ है, डी 3 लगाया। इसके ऊपर मैंने वेंटिलेटर लगा रखे हैं, वेंटिलेटर भी आप इसके ऊपर यूज करोगे। डी 2 मैंने इसमें लगाया बाथरूम में। अब आते हैं बेडरूम में, बेडरूम में आप बड़ा दरवाजा लगाओगे, ये आपका डी है डी, और डी डोर ही यहाँ पे लगाओगे आप, क्योंकि आप बेडरूम में बड़ा दरवाजा लगाओ। अब लिविंग रूम में आते हैं, लिविंग रूम में डी 1 लगाया है, आप यहाँ पे डी भी लगा सकते हैं, क्योंकि देखो आपका ये बरामदा है। सबसे पहले आप इसी यहाँ, तो इधर एंट्री करोगे या इधर एंट्री, एंट्री आपकी इधर से हो रही है, ये आपकी सीढ़ी है, इधर से एंट्री करोगे सीढ़ी है, तो ज़्यादातर यहाँ तो इधर एंट्री करोगे इधर करोगे, तो आप दोनों तरफ डी लगा सकते हैं, बड़ा दरवाजा है। इसके बाद आते हैं विंडो पे, देखो बेडरूम में बड़ी विंडो लगाओगे, इधर मैंने बड़ी लगा रखी है डब्ल्यू, जिसकी मैंने माप आपको बताई थी 1.5 इंटू 1.2 मीटर, ये मैंने डब्ल्यू, इसके ऊपर वेंटिलेटर लगाया है। यहाँ पे W1 खिड़की लगाई है मैंने, इसके ऊपर भी वेंटिलेटर लगाया है। एक बाथरूम और किचन, सॉरी वो WC, बाथरूम और WC के बीच में जो हमारी खिड़कियाँ होती हैं वो आपकी HLW हाई लेवल विंडो होती है, जिसकी माप मैंने बताई 0.60 इंटू 0.30 मीटर में। ठीक, इसके बाद हम किचन में चलते हैं। एक किचन में मैंने बड़ी खिड़की पहले विंडो लगाई है, जिसके ऊपर वेंटिलेटर है। उसके बाद में ये यहाँ से यहाँ पे आप 60 सेंटीमीटर आते हैं, यानी 0.60 मीटर, ये आपकी स्लिप जिसे बोलते हैं, इस पर सामान रखते हैं किचन में, ये आपकी स्लिप पड़ी है चारों तरफ, ये आपकी सिंक है। सिंक देखो छोटी भी होती है बड़ी भी होती है, सिंक के जो होते हैं कई माप होते हैं, तो आप छोटी बड़ी जिस तरह के कई माप होते हैं, इसका कोई निश्चित माप नहीं है। ये मैंने यहाँ सिंक लगाई है, सिंक के ऊपर ये WT आपको विंडो लगी हुई, इसके ऊपर मैंने वेंटिलेटर लगाया है। ठीक, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं लिविंग रूम में। लिविंग रूम में मैंने क्या किया है, एक W मतलब बड़ी वाली विंडो लगाई, उसके ऊपर वेंटिलेटर लगाया। इसके बाद में मैंने, ये आपका बरामदा खुला हुआ है, ये डॉटेड लाइन इसीलिए दिखाई गई क्योंकि आपका ये बरामदा ही यहाँ खुला हुआ है, ये एक कॉलम यहाँ पे, एक कॉलम यहाँ, एक कॉलम यहाँ पे है। इसमें आपको विंडो दिखा हुआ है क्योंकि ऑलरेडी ये खुला हुआ है। अब इन विंडो के ऊपर जो हम छज्जा डालते हैं, यहाँ से यहाँ 15 सेंटीमीटर जाते हैं इधर। इसके बाद में जो हमारा आगे के लिए छज्जा बढ़ता है, जिसे आप छज्जा कहते हैं, खिड़की होती है, इसके आगे जो बढ़ता है हमारा, ये आपका 60 सेंटीमीटर आगे बढ़ता है, सभी पे 60 सेंटीमीटर बढ़ा हुआ ही है, यहाँ से आप 15 सेंटीमीटर आगे 60, यही चीज़ आपकी बरामदे में होती है, बरामदा खुला हुआ है, तो आप इसके ऊपर भी छज्जा डालोगे, आप यहाँ से 15 सेंटीमीटर जाते हैं अंदर। इसके बाद आप 60 सेंटीमीटर दूरी पर इसमें भी आप छज्जा डाल देते हैं, ये आपकी जो डिटेल हुई थी प्लान के अंतर्गत हुई थी आपकी डिटेल। अब इसका सेक्शन देखो, इसमें पेपर में जो आया था इस तरह से काटा है, इसका मतलब मत आप इधर या इससे मतलब देख सकते हैं, और जो मैंने इसका सेक्शन बनाया इसी तरह काटा, मतलब काटूंगा तो इस तरह पेपर में आया है, बट मैंने इस तरह से देखा है, आप इधर से भी देख सकते हैं, इधर से भी, इसका मतलब ये है मैंने इस तरह इधर से आपका सेक्शन बनाया है। अब देखो सेक्शन में देखते हैं, इसका तो आपको भी काम है नहीं क्योंकि मैं आपको पूरा प्लान समझा चुका हूँ। अब सेक्शन जो आपका इससे बनेगा प्लान से, तो इसे मैं साइड में रख देता हूँ। अब आते हैं सेक्शन में, सेक्शन आप जानते ही हो कटेगा तो पूरी फ्लोर रूफ की पूरी डिटेल तक देनी पड़ती है हमको। तो सबसे पहले क्या होता है, हम जितनी ये दूरी है देखो, यहाँ से सेक्शन कटा यहाँ पे खत्म है, तो जितने सेक्शन कटा उतना सेक्शन लेंगे, उतनी आपकी पहले नंबर ये दूरी आएगी, क्योंकि कमेंट में आई थी कि जो बिल्डिंग बताएं आप स्टेप बाय स्टेप बताएं, तो इसलिए पूरा स्टेप से चल रहा हूँ मैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, एक भी स्टेप मैंने बीच में
नहीं छोड़ा, जितनी दूरी है सेक्शन कटा है आपका इतनी दूरी होगी। सबसे पहले ये दीवार हमारी ये आ गई, देखो सबसे पहले क्या क्या कटा, ये दीवार कट रही है हमारी ये आ गई, ये दीवार हमारी कटी ये आ गई, यहाँ भी ये दरवाजा कट रहा है, मतलब दीवार नहीं कटी है आपकी, ये दरवाजा है यहाँ पे, जो आपका दरवाजा बीच में कटता है उसका हम इस तरह सिंबल दिखा देते हैं, दरवाजा तो बना हुआ नहीं कटा हुआ है, एक ये दीवार कट रही है, ये दीवार आपकी कोई दीवार नहीं है, यहाँ पर देख रहे हो ये आपका बरामदा है, बरामदा आपका खुला हुआ तो दीवार कहाँ से कटेगी, इसलिए यहाँ कोई दीवार नहीं है। सबसे पहले मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ, एक स्प्रिट फुटिंग फाउंडेशन की स्थापना करोगे, जिसकी मैंने वीडियो भी डाल रखी है डिटेल में, एक बार आप वहाँ भी देख लें, ये 20 सेंटीमीटर की दीवार है, इसके लिए मैंने सूत्र बताया था 2t+30, 70 सेंटीमीटर की आपकी यहाँ से यहाँ तक लंबाई आ जाती है। फिर आप ऊपर चलते हैं, 25 से 30 सेंटीमीटर के बीच में आप कंक्रीट डालते हैं, इसके बाद आप ऊपर चले, ये यहाँ पे मैंने ब्रेक दे दी बाकी दीवारों में, क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे स्प्रिट फुटिंग फाउंडेशन बनाएंगे, यहाँ देने की जरूरत नहीं, और मैंने ब्रेक दे दी इसलिए इससे यह चीज होती है, इतनी लंबाई की यहाँ भी बनेंगे कोई जरूरत नहीं है बनाने की, ब्रेक दे दी, हाँ यहाँ भी स्प्रिट फुटिंग फाउंडेशन है इससे सिद्ध होता है। ठीक, सबसे पहले नीचे आपके कंपैक्टेड अर्थ है, यानी मिट्टी भरी हुई है आपकी, उसके बाद में ऊपर चलते हैं, ये आपके यहाँ पे सैंड फिलिंग है 0.15 मीटर ऑल डायमेंशन इन मीटर, ठीक है सारे डायमेंशन आपकी ये मीटर में, इसलिए मैंने ऑल डायमेंशन इन मीटर लिखी, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ अगर मैं आप सेंटीमीटर में लेता हूँ तो जितनी भी मैं ड्राइंग बनाऊंगा सारे के सारे मैं आप सेंटीमीटर में ही लूंगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो एक बार आपको यहाँ दिखा दूँ, ए बी बी डे सी, ये हमारा सेक्शन इतनी उन पे कट रहा था, मैंने यहाँ पे लिखा सेक्शन एट ए बी बी डे सी ऑल डायमेंशन इन मीटर, यहाँ पे आपकी 150, 100 से 150 mm के बीच में सैंड फिलिंग होती है, जिस जो आपका फ्लोर के बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है, कंपैक्टेड कंक्रीट और टेराजो और सीमेंट कंक्रीट, ये तीनों फ्लोर वीडियो में है। इसके बाद में इसके ऊपर हम बेस कंक्रीट डालते हैं जो 75 mm की होती है, ये मैंने मीटर में कन्वर्ट कर रखे हैं इसलिए 0.075 पाया है, 75 mm की बेस कंक्रीट डालेंगे। उसके बाद में हम क्या करते हैं, 40 mm की सीमेंट कंक्रीट 1:2:4 में डालते हैं, ये आपकी बहुत ही छोटी आ जाती है, यहाँ पे देखो mm में 40 mm 4 सेंटीमीटर होगा, फिर इसे मीटर में कन्वर्ट करोगे बहुत ही छोटा आता है, 1 mm का कई हिस्सा आता है ये। इसके बाद में आप 40 mm की सीमेंट कंक्रीट डालते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, सीमेंट कंक्रीट डालते हैं के बाद उससे जो ऊपर होता है उससे नीचे हम आएंगे 10 mm थिक प्लास्टर करते हैं, सीमेंट कंक्रीट डालने के बाद हम 10 mm का थिक प्लास्टर करेंगे, और जो ये देखो ये चीज़ें, ये यहाँ पे भी ये चीज़ आपकी 5 mm थिक ग्लास कांच लगा हुआ 5 mm का बीच में, ताकि आपका जैसे यहाँ पे कांच लगा हुआ है, अब आपका यहाँ फर्श को चटक जाता है तो चटकता चटकता ये पूरा यहाँ तक आ जाएगा, लेकिन इस कांच की वजह से यहीं पर आपका ये रुक जाएगा, आगे कोई क्षति नहीं होगी। फिर ये आपका लास्ट है, ये सीमेंट कंक्रीट फ्लोर फिनिश। ठीक, अब यहाँ से हम ऊपर चलते हैं, जब हम ऊपर चलेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन में हमारा क्या क्या हुआ, पहले इस दीवार के बीच आते हैं, यहाँ से यहाँ तक आपका ये एरिया है, सबसे पहले दीवार कटी, दीवार हमारा क्या है, ईंटों की हमारी दीवार बनी है, ईंट का मैंने सिंबल दिखाया, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप इधर से देख रहे हो, मैं पहले बता चुका हूँ, देखो मैंने निशान भी लगा रखा, आप इधर को देख रहे हो, आप इधर को देख रहे हो, आगे बढ़े, आपको एक दरवाजा दिखा D2 जिसकी माप मैंने बताई, देखो एक बार माप देख लीजिए आपकी, ये रही D2 की माप 0.80x2 मीटर आपकी D2 की माप है, देखिए D2 यहाँ पे, यहाँ से आता 2 मीटर, यहाँ से आता 0.8 मीटर, D2/वेंटिलेटर V, आपका वेंटिलेटर भी लगा हुआ है इसमें, वेंटिलेटर ये रहा, इसकी जो माप होती है आपके लिए मैं एक बार लिख दूं, मैंने वहां भी दे रखी है वेंटिलेटर की जो माप है आपको, यहाँ से यहाँ तक तो 0.45 मीटर हो गई, और यहाँ से यहाँ तक होती है आपकी 0.60 मीटर, देखो यहाँ भी मैंने दे रखी है वी वेंटिलेटर 0.60x0.45। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, एक हमारी दीवार ये कटी, ये बना दिया, जिस तरह सेक्शन में बता रहा हूँ बहुत ही सिंपल, इस तरह कटता हुआ जाए उस तरह आप बढ़ते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़े, दीवार कटी, फिर हम दीवार में आगे बढ़ते हैं, फिर हम आगे बढ़े, देखो जिस जिस जगह आपकी दीवार में बीच में कहीं इस तरह निशान आ जाए काट दे,
जितनी दूरी पे इस दीवार से ये काटा है उतनी दूरी पे दीवार से ना आपकी पूरी लाइन खींचते हो आप, ये आपकी कट लाइन मतलब यहाँ पे काटा है। क्या हुआ, आपका दरवाजा कटा हुआ, आपको इधर से देख रहे हो इधर की साइड से, तो आपको इतना दरवाजा दिखेगा बस। मैंने दरवाजा बनाया, आपका जितना बचा हुआ D3 दरवाजा है यहाँ पे, ऊपर आपका वेंटिलेटर भी कटेगा। ये कहने का आपका दरवाजा कट जाएगा, वेंटिलेटर कट गया। आगे बढ़े हम, आगे यहाँ पे आते हैं, आपकी ये दीवार ना कट के, आपका यहाँ दरवाजा कट गया जिसकी ऊंचाई 2 मीटर थी, यहाँ से यहाँ तक आप 2 मीटर करेंगे, इस तरह का संबल दिखाया देंगे, क्योंकि आपके यहाँ दरवाजा दिखा नहीं कट चुका इसलिए दिखाएंगे। इसके ऊपर RCC बीम डालते हैं, आपने देखा होगा दरवाजे खिड़की जो होते हैं उनके ऊपर RCC बीम पड़े हुए होते हैं, बीम डाल दिया आपने ऊपर, ईट दिखा दी संबल। अब यहाँ तक हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक फिनिश। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ये रहा, से आगे बढ़े हम, आगे हमें कुछ नहीं दिखा, कुछ नहीं बनाया, हमारी दीवार नहीं कट रही। इतने बीच में हमारी सीढ़ियां कटी हुई हैं, ठीक है। अब ये सीढ़ियां आप नीचे बनाओगे, यहाँ से स्टार्ट होती है क्योंकि आपका फ्लोर यहाँ से स्टार्ट है, तो सीढ़ियां वहाँ खत्म होती है, फ्लोर होता है। ये आपकी राइज है, ये ट्रेड है, ये राइज है, ये ट्रेड है आपकी, 1 2 3 आपकी राइज है, 2 ट्रेड है। मैं आपको राइज और ट्रेड, ये पूरा स्टेयर है आपके, स्टेयर के बारे में वीडियो पड़ी हुई है पूरा, उसमें डिटेल में बताया किस तरह राइज और डिटेल कितनी कितनी माप होती है। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखो आपको ये है, ये आपकी खिड़की है, जब आप इधर से देखोगे इसका आपको वेंटिलेटर दिखेगा, कितनी दूरी पे दिखेगा, 2 मीटर ऊंचा, आपको 2 मीटर ऊंचा होता है ये, आपको बता दूं, देखो फर्श से 2 मीटर ऊंचा वेंटिलेटर है, ये 60 सेंटीमीटर, ये आपकी 5 सेंटीमीटर होती है, यहाँ तक 7.5 सेंटीमीटर होती है, बाकी और कुछ नहीं बनाना। इसके बाद में आपको देखो पेपर में दिया था, मैं कुछ नहीं बता रहा, ये पेपर के हिसाब से चढ़ुआ। प्लेन हाइट 400 mm, 0.4 मीटर, मैंने पहले बताया मीटर कन्वर्ट कर रखी है, यहाँ से यहाँ तक 400 mm है। फाउंडेशन 2B 900 mm डीप एंड 900 mm वाइड, 900 आप ये रही देखो 0.90 मीटर में आपकी, यहाँ से यहाँ तक चले, ये आपका ये है। सीलिंग हाइट ऑफ ऑल रूम्स इन 3 मीटर, जितने भी आपके रूम है सभी की सीलिंग हाइट, सीलिंग हाइट आपको कहते हैं रूम के फर्श से और जो आपका रूम का जो छत है उसके नीचे वाले हिस्से तक की दूरी को सीलिंग हाइट कहते हैं। यहाँ से ये आपका फर्श है, ये आपकी यहाँ से छत शुरू है, यहाँ तक की हाइट को सीलिंग हाइट कहेंगे, ये आपकी 3 मीटर है। ये मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन में आपको खुद दिया है, सीलिंग हाइट ऑफ ऑल 3 रूम्स, रूम्स इन 3 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर आप ऊपर जाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे हमें पूरी की पूरी क्या देना है, रूफ के बारे में डिटेल देनी है। ये आपके बाहर निकली होती है, आपने देखा होगा 60 सेंटीमीटर बाहर निकली, मैं आपको बताइए ये 5 सेंटीमीटर 7.5 होता है। सबसे पहले आपका 120 mm RCC स्लैब होता है, 0.12 मीटर, पहले बता चुका सारी डायमेंशन इसमें मीटर में ली है, और इसकी भी रूफ की भी वीडियो पड़ी हुई है, अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप रूफ की वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद में हम ऊपर चलते हैं, ऊपर 2 कोट हॉट बिटुमन आता है, पहले डॉटेड फिर सॉलिड, ये आपकी 2 कोट हॉट बिटुमन बहुत ही छोटी होती है, तो इसमें क्या करते हैं हम इसी लाइन पे जो RCC वाली लाइन आपकी खत्म हुई है इसी पे हम 2 कोट ऑफ हॉट बिटुमन दिखा देते हैं। इसके बाद ऊपर चलते हैं, मडफर्स का 1 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर का आपका मडफर्स का होता है, ये आपका मडफर्स का है। फिर इससे ऊपर चलते हैं, ब्रिक टाइल 20 × 10 × 3.5 सेंटीमीटर होती है ये आपकी, यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर, ये आपका जो दूरी 3.5 सेंटीमीटर, पीछे जो होता है ये 10 सेंटीमीटर में होता है, ये ब्रिक टाइल होती है। यहाँ से यहाँ जो ये मैंने दिखाया साइड में, ये स्ट्रिप कॉन्केव होता है, यहाँ से वाटर ड्रेनेज होता है, आपका पाइप वगैरह लगाते हैं मतलब यहाँ से निकास होता है। इसमें जो स्लॉप पड़ी हुई होती है, ढलान होता है, 1:6 का स्लॉप होता है, आपके लिए मैं यहाँ लिख दूँ, स्लॉप होती है इसमें 1:6 की, ठीक है। अब यहाँ से ये हमारा फर्श हुआ और यहाँ तक की लंबाई होती है 90 सेंटीमीटर, जिसे कहते हैं पैराफिट हाइट, जो जिसे बाउंड्री बोलते हैं गांव में, बाउंड्री बोलते हैं मतलब जो छत पूरी होने के बाद में हम चिन्ह देते हैं, वो उसकी हाइट होती है 90 सेंटीमीटर, यहाँ से फर्श से यहाँ तक 90 सेंटीमीटर है, ये आपका सेक्शन हुआ था। और यहाँ पे देखो, मैंने आपकी यहाँ भी माप दिखाई हुई है, यहाँ से यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, देखो पूरी माप दिखाई, यहाँ से 5 मीटर फिर 20 सेंटीमीटर, मैंने मीटर में लिखा है 0.20 मीटर,
फिर यहाँ से यहाँ तक 1.8 है, यहाँ 20 है, मतलब आपकी मैंने बीच में दीवार भी दिखाई हुई है, कितनी दीवार है, इस भी दिखाई 20 20, ये 2 है आपकी, ये 6 है, ये 20 है पूरी। यहाँ मैंने आपको वो माप भी दिखाई नहीं, यहाँ पर प्लान की डिटेल थी, ये आपकी सेक्शन की डिटेल थी। तो आपसे जो पेपर में पूछा था, आपसे यही पूछा था, मैंने जो सेक्शन में किया है ए बी बी डैश सी किया है, सेक्शन एट ए बी बी डैश सी, लेकिन इसमें ए बी सी डी पूछा था, आप ए बी सी डी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें दो ही चीज़ पूछी थी, डिटेल्ड प्लान शोविंग द पोजिशन ऑफ डॉट्स विंडोज स्टेप एटीसी, स्टेप डॉट सारी चीज़ें हमने देखो, विंडो डॉट्स स्टेप्स के प्लान, विंडो ये आपकी सारी विंडो है, डॉट और स्टेप सारे के प्लान दिखाए हैं, सेक्शन एलिवेशन एट ए बी सी डी, ए बी सी डी इस पे सेक्शन करना था, जो मैंने आपके लिए ये किया सेक्शन, इसके बाद में आगे क्या बोला है मैं इसमें छोड़ू, ये कुछ नहीं, डाटा जो ये है, ये आपका 2 20 सेंटीमीटर की दीवार, उसके बाद में फाउंडेशन थी 90 सेंटीमीटर की, सीलिंग हाइट 3 मीटर थी, प्लिंथ हाइट जो थी 40 सेंटीमीटर थी, इसके बाद में कुछ नहीं दिया। और अगर आप हिंदी में देखना चाहें तो हिंदी में आपका ये रहा, विस्तृत प्लान जिसमें दरवाजे खिड़कियां तथा प्रवेश सीढ़ियां आदि की स्थिति दर्शाइए, ए बी सी डी का कार्ड समूह से दिखाइए, सभी दीवारें 20 सेंटीमीटर एमएम है, इसमें 20 सेंटीमीटर सेंटीमीटर करोड़ करके बोल रहा हूँ, नीम की गहराई 90, नीम की गहराई तथा चौड़ाई 90 एमएम, सभी कमरों की छत की ऊंचाई 3 मीटर, प्लिंथ की हाइट ऊंचाई 400 एमएम, पैराफिट दीवार की ऊंचाई, दरवाजे खिड़कियों के आकार फर्श के प्रकार आदि को उचित रूप से मान लें, जो आप डाटा है उसे उचित रूप से मान लें, जिस तरह मैंने माना हुआ डी डी वन, ये भी नहीं कि आप अपनी मर्जी से मान लें, ये भी एक अनुपात दिया होता है कि इसी अनुपात में हमारे इस तरह के दरवाजे बने होते हैं। ये आपका सिविल इंजीनियर ड्राइंग फर्स्ट का यूएस सेमेस्टर मई 2018 का पेपर था, जिसका मैंने ये आपको बिल्डिंग बताई है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, देखो मैंने सेक्शन दिखा दिया, इसमें इसका आपको प्लान दिखा दिया, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर भी नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।